प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे हाइकल के बारे में। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, उससे पहले ही मार्केट काफी तरह से टूटा हुआ था हाइकल के लिए। क्या बन रहा है टेक्निकल व्यू, साथ साथ में जीटीएल इंफ्रा में क्या चल रही है खबर और क्या करना चाहिए आपको अब स्टॉक में। देखिए Q3 रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ पाए हैं, पहले ही बियर ग्रिप में था, 20% ज्यादा गिर चुका है और अब भी काफी तकड़ा गिरा हुआ है। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में यहां पर केवल 4% का इंक्रीमेंट हुआ है, 4.99%, करीब 540 करोड़ की सेल्स आई है पिछले साल के कंपैरिजन में 514 करोड़ के। प्रॉफिट की बात करें तो 26 करोड़ का प्रॉफिट बना है, जो कि पिछले साल इसी समय 45 करोड़ की कंपैरिजन में 41% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत बुरी तरह से धोया है। एबिटा देखें तो 77 करोड़ रुपीस का अप्रॉक्सीमेटली है, जो कि 17% डाउन है, तो एबिटा में भी कमी आई है। इंटरेस्ट की ही कॉस्ट नहीं है ये इनके ऑपरेशन में भी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है। इन्होंने ₹2.14 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि पिछले साल ₹3.65 के आसपास का डिविडेंड था, ये क्लियर था इंडिकेशन कि यहां पर रहेगा। आइए जरा चल इसका टेक्निकल व्यू देखते हैं। तो सबसे पहले 330 के लो बनाया है दिन का सबसे नीचे के स्तर पर। अगर कैंडल देखें तो कैंडल का पूरा बॉडी बहुत बड़ी बनी हुई है और बंद होते होते सबसे बड़ी खबर यह है कि इसने 200 मूविंग एवरेज, जो कि इसका 332 के आसपास है, वो तोड़कर बंद किया है। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अब यहां पर थोड़ा सा मार्केट गिरावट देखेगा और हो सकता है कि इसका जो लेवल है वो ये करीब 275 तक का लेवल इसको टच करने की कोशिश करे, तो इसको समझ के रखेगा। यहां पर अभी चैलेंजिंग पोजीशन बन सकती है हाइकल के स्टॉक में आगे की तरफ से। अगर वॉल्यूम देखें तो करीब 400,000 शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं यहां पर, और साथ साथ में तीनों पैरामीटर पर एलिगेटर इंडिकेटर के सेल सिग्नल मेंटेन किया हुआ है। सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस 398 के आसपास है और ये नीचे गिरता चला जाएगा अभी हमारे हिसाब से। RSI 31 के आसपास है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन आ चुका है। अगर यहां पर देखें मैकडी ने कई दिनों से सेल सिग्नल बना के रखा था, जब इसका भाव करीब ₹400 के आसपास था और अभी ₹70 गिरकर 330 के आसपास घूम रहा है। बुलिंगर बैंड की डायरेक्शन, दो प्रॉब्लम है अब इस स्टॉक में यहां पर, एक तो डायरेक्शन नीचे को हो गई है और साथ साथ में इसकी बैंडविड्थ भी बढ़ने लगी है, और बैंडविड्थ के नीचे के हिस्से में गिरता हुआ बढ़ना अच्छी बात नहीं है, तो अभी ये और नीचे की तरफ को गिरावट दिखाई देगा एज पर दिस स्टडी। तो ये तो रहा हमारे हिसाब से हाइकल का स्टॉक। दूसरा जीटीएल इंफ्रा, देखिए बाउंस बैक अच्छा आया है, 80 पैसे के आसपास से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां पर हमने रिकमेंड किया था 70 पैसे से 80 पैसे के बीच में। सीबीआई की रिपोर्ट का 4,700 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है इनके, वहां पर उसको बुक किया है, पर 2016-2019 की खबर की बात है ये। लॉन्ग टर्म के लिए लोअर लेवल अच्छे हैं, अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं स्टॉक में तो काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको, पर अभी हाई वैल्यूएशन स्टॉक थोड़े गिर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट यहां पर भी गिराई देगा। FII की भी सेलिंग चल रही है, तो ओवरऑल हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक आपको थोड़ा पैसा अपने पास रखना चाहिए, सारा पैसा इक्विटी में मत लगाइए अभी। चलिए जल्द का टेक्निकल देखते हैं यहां पर जीटीएल का क्या भाव चला है। जीटीएल इंफ्रा बंद होते होते करीब करीब ₹1 के आसपास बंद हुआ है ये स्टॉक जीटीएल इंफ्रा का। तो जीटीएल इंफ्रा ने आज 50-day मूविंग है, 20-day मूविंग दोनों के नीचे कारोबार कराया, ₹1.30 ₹1.20 के आसपास। इसने काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया 80 पैसे से, और ये हाई जो इसने बनाया था उसके बाद में करीब ₹1.15 के आसपास इसने हाई बनाया था, तो अब ₹1.50 के आसपास ₹1.30 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा हमारे हिसाब से, अभी कुछ टाइम में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अगर हम इसका यहां पर देखें हाइकल इसका जीटीएल इंफ्रा का वॉल्यूम की दृष्टि से, तो वॉल्यूम ओवरऑल ठीक ठाक चल रहे हैं अभी इस स्टॉक में, और यहां पर 2.3 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं कल भी इसने जो बंद हुआ है यहां पर। अगर एलिगेटर इंडिकेटर को देखा जाए तीनों पैरामीटर के बेसिस पर, इसने अभी भी सेल सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है, यहां पर ₹1 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड को अगर देखें तो सुपर ट्रेंड के बेसिस पर रेजिस्टेंस ₹1.14 का, और यहां पर काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था, 11 के आसपास RSI पहुंच गई थी, यहां से अच्छा बाउंस बैक दिखाना था जो इसने दिखाया, और ये अभी RSI 35 के आसपास है, अभी और ऊपर बढ़ सकता है। इसका मैकडी ने अभी भी सेल सिग्नल बना के रखा है, तो कुछ टाइम अभी और इसका प्रेशर रहेगा, क्योंकि खबर इतनी छोटी नहीं है, 4,700 करोड़ में बहुत बड़ा अमाउंट होता है RSI। अगर यहां पर भूलिए बैंड की बैंडविड्थ देखें तो 36 के आसपास हो गई है, और बैंड करीब करीब इसका अपर हिस्सा ₹1.29 के आसपास है, तो इससे ऊपर ₹1.29 से ऊपर जल्दी में जाएगा नहीं अभी के लिए। ट्रेनिंग करनी है मेल ड्रॉप करेंगे।